गाइस, माय नेम इज अमृता। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लीन अप आप घर पे ही कैसे कर सकते हैं और क्लीन अप करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट यूज करना चाहिए अपने स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करें, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करें। अगर आपकी स्किन में एक्ने है तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा, वो जो स्क्रब होगा उसमें ग्रेन्स बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। अगर वो ग्रेन्स मोटे होंगे स्क्रब के तो आपके जो दाने हैं वो फूट जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा क्रिएट होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल टू ड्राई है, इसलिए मैं O3 यूज़ कर रही हूँ। और उसके लिए आपको 2 बाउल चाहिए होगा और फेस पैक ब्रश चाहिए होगा, एक टिश्यू चाहिए होगा क्लीन, और ब्लैक हेड स्टिक लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था, और एक कॉटन चाहिए होगा, एस्ट्रिंजन चाहिए होगा। और ये O3 के प्रोडक्ट्स हैं सबसे पहले। और एक बाउल में आपको पानी भी लेना होगा। और सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये क्लिनजर है O3 का। मैं ये O3 का वाइटनिंग किट यूज़ कर रही हूँ, जो एक तो कॉम्प्लेक्शन के लिए है, सेकंड ड्राई टू और नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। इसको शेक करना है सबसे पहले। ये जो क्लींजर है वो हमारी स्किन में जो डस्ट होता है उसको क्लीन करने के लिए और अपनी हमारी स्किन को स्मूथ करता है। मैंने 1-2 पंप लिया है, इसको मैं पूरे फेस पे लगाऊंगी। उसके बाद हल्का सा अपने हैंड को वेट करूंगी और हैंड को जो है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको चलाना है। फिर क्लींजर को क्लीन कर ले। ये जो क्लींजर है बहुत अच्छा है ड्राई स्किन के लिए, ये स्किन को स्मूथ करता है और वो जो डस्ट है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करता है। देखिए टिश्यू कितना काला हो गया और डस्ट कितना निकला है मेरी स्किन से। इसके बाद जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये O3 का माइक्रो डर्मा फेशियल पील है, आपको दिख रहा होगा। और इसमें जो है ये माइल्ड स्क्रब है जो एक्सफोलिएटिंग का काम करता है और हमारे ब्लैक हेड और वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। ये इसको भी मैं 2 पंप लूँगी। ये जो पील है इसमें ये स्क्रब का काम करता है, बहुत अमेजिंग पील है। इससे आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी और वाइट हेड्स ब्लैक हेड रिमूव करने में बहुत इजी रहेगा। और इसको आँखों के आसपास यूज़ करें, बट आँखों के ऊपर यूज़ ना करें। स्क्रब या पील आप यूज़ करते हैं तो हमेशा फिंगर टिप का यूज़ करें, पूरे हाथों का यूज़ ना करें फेस पे, उससे जो है आपकी स्किन रैशेस पड़ने का डर होता है।
रैसेस पड़ सकते हैं आपके स्किन पे, और आप ज़्यादा रबिंग करती हैं और पूरे पाम्स यूज़ करती हैं तो। इसके बाद क्लीन करें, इसके बाद ये मैं एस्ट्रिंजेंट ले रही हूँ, ये स्टिक को क्लीन करने के लिए। उसके बाद जब भी आप क्लीन अप या फेशियल करती हैं आफ्टर पील या स्क्रब, आप अपना ब्लैक हेड और वाइट हेड्स रिमूव करें, उससे होगा। उसके बाद आप टोनर वगैरह यूज़ करेंगी तो वो स्किन टोन करेगा और मिनिमाइज करने का काम करेगा। इसके बाद एक फ्रेश टिश्यू ले जो ड्राई हो, उसे अपने स्किन को डैप कर ले अच्छे से। आफ्टर पील हम पानी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो सीरम है और जो क्रीम है काफ़ी ऑयली है, इसमें पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे अभी से इतना फ्रेश और इतना अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है मेरी स्किन बहुत क्लीन हो गई है। बाद में टोनर यूज़ कर रही हूँ, ये भी O3 का वाइटनिंग टोनिंग है ये। ये जो है टोनिंग करने का काम करता है हमारी स्किन को, और हमारा जो मॉइस्चर लेवल है उसको मेंटेन रखता है और फेस को जो है ग्लो करता है और डलनेस और डिहाइड्रेटेड स्किन को ठीक करता है, डिहाइड्रेट और डलनेस को दूर करता है। इसको स्प्रे कर ले फेस पे। ये अपने हैंड पे निकाल ले, ये इसका पम्प थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। मैं इसको आप 3 से 4 पंप ले सकते हैं, फिर फेस पे डैपिंग करें। ये टोनर है। इसके बाद मैं ये सीरम यूज़ करूँगी। सीरम जो है ग्लो के लिए बहुत अच्छा है, और ये जो पिगमेंटेशन होती है, जैसे कि आपने देखा होगा हल्का सा पिगमेंटेशन है, उसको कंट्रोल करता है और जो अनइवन स्किन टोन को इवन करने का काम करता है। इसको भी आपको 2 पंप लेना है और पूरे फेस पे अप्लाई करना है। इससे आपको मसाज करना है 2 मिनट के लिए। अब इसमें आप पूरे पाम का यूज़ कर सकते हैं अपना। जब आपको लगे कि आपकी स्किन पे सीरम और टोनर अच्छे से पेनिट्रेट हो गया, उसके बाद आप क्रीम मसाज यूज़ करें। और क्रीम मसाज करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मैं मसाज करते करते आपको बताऊंगी। अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो आप मसाज करते टाइम लाफिंग लाइन का, रिंकल्स का, फोरहेड में जो लाइंस आ जाती है उसका, और नेक पे जो लाइंस होती हैं उसका स्पेशली ध्यान रखें। और मैं साथ साथ करते करते आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आपको करना है। और मसाज करते टाइम बहुत जल्दी जल्दी मसाज ना करें, और बहुत हाथ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड से ना मसाज करें। हमारे जो फेस के जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए हमें बहुत जेंटली मसाज करना होता है और ध्यान रखना होता है अपने मसाज करते टाइम। अब मैं ये क्रीम ले रही हूँ। ये जो क्रीम है इसमें विटामिन सी है, ये भी हमारी स्किन को जो है इवन करता है और हमारे कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करने का काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है। ये एक स्पैचुला जो है इनफ होता है इतना। इसे मैं बाउल में निकालूंगी, उसके बाद यूज़ करूंगी।
थोड़ा सा मैंने और लिया है, थोड़ा कम लग रहा है, तो एक से दो स्पैचुला आप यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा करके लूँगी मैं। सबसे पहले नेक से मसाज करना शुरू करें और अपने स्किन को अपवर्ड के साइड मसाज करें। यहाँ पे प्रेस करें जो लाइन पे। अपने ईयर के आसपास प्रेस करें, इससे आपको बहुत रिलैक्स भी फील होगा। ईयर के पीछे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज फिंगर को घुमाएं। यहाँ पे लाफिंग लाइंस होती हैं, तो आपको यहाँ पे ऐसे मसाज करनी है। सेम स्टेप्स दूसरी साइड करें। अपने आँखों के नीचे हल्का सा प्रेस करें, उससे जो है आँखों के नीचे जो लाइंस आ जाती हैं और जो पफिनेस होता है वो दूर हो जाता है और थोड़ा रिलैक्स फील होता है। मसाज जो है आपको 7 से 10 मिनट के लिए करना है। अपने आईब्रोज को प्रेस करें, जिससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, जो स्ट्रेस है वो भी दूर होगा। यहाँ पे फाइन लाइंस होती है, यहाँ पे बहुत अच्छे से मसाज करें अपवर्ड साइड। इसके बाद फेस पैक यूज़ करना है। फेस पैक 1 स्पून बहुत है, 1 स्पैचुला। जब भी आप फेस पैक यूज़ करें उसे अपवर्ड लगाएं ऊपर की साइड। ये मैं फेस पैक लगा के हटा चुकी हूँ। जिस टाइम मैं फेस पैक लगा रही थी लाइट चली गई थी, उसके लिए सॉरी। और फेस पैक लगाने के बाद आपको 10 मिनट रखना है और उसके बाद फेस मैंने क्लीन कर लिया है। और जब आप क्लीन अप या फेशियल करते हैं उसके बाद फेस वॉश साबुन हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जो फेशियल के जो इंग्रेडिएंट्स है वो इंटरनली वर्क कर रहे होते हैं, और आफ्टर फेस पैक रिमूव करने के बाद आप उसी सीरम के 2 ड्रॉप फेस पे लगा ले। ये क्लीन अप के बाद मुझे इतना फ्रेश और इतना अच्छा फील हो रहा है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और मेरा फेस भी बहुत क्लीन लग रहा है।
स्किन मेरी छूने पे बहुत स्मूथ लग रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।